हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू शास्त्रिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड 5। टेक्स्ट बुक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, चैप्टर नंबर 8। वर्कबुक में हमारा इनकम्प्लीट था, आज वो कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 13, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने क्वेश्चन 1 कंप्लीट करवा दिया था, क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट करवा दिया था, यानी क्वेश्चन 8 तक, क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो चुका था। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइस सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाकी था, आज वो हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिटेल्स ऑफ सैलरी फॉर वन डे ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर गिवन बिलो। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन ईयर इज इक्वल टू 365 डे। वन ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डे। आप सबको पता होगा कि वन ईयर में 365 डेज होते हैं। इधर हमको वर्कर्स और सैलरी फॉर वन डे, वन डे की उनकी कितनी सैलरी है उस वो हमें फिगर्स में दिया हुआ है। तो मैनेजर की कितनी है? 990। असिस्टेंट मैनेजर की कितनी है? 530। सुपरवाइजर की कितनी है? 420। लेबर्स की कितनी है? 310। सिक्योरिटी गार्ड की कितनी है? 150। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेटेड द सैलरी ऑफ मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हमारे इतने स्पेस में पूरा सम नहीं आ रहा, तो मैं आपको नोटबुक में सॉल्व करके बताऊंगी। पहले हमें क्वेश्चन फर्स्ट में मैनेजर की फाइंड आउट करनी है, तो मैंने आपको नोटबुक में पूरा वर्कर्स और सैलरी फॉर वन डेज बताया हुआ है यहाँ पर। अब मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व करूंगी। सैलरी ऑफ मैनेजर किसका फाइंड करना है? मैनेजर का, फॉर वन डे। वन डे की सैलरी हमें कितनी दी थी मैनेजर की? 990 दी थी ना हमें टेक्स्ट बुक में, बुक में वर्कबुक में हमें दिया गया है। वन डे की सैलरी 990 है मैनेजर की, तो हमें फाइंड आउट करना है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च की फाइंड करनी है हमें, तो मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डे। तो इक्वल टू 990 × 31। मैं आपको एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके बताती हूँ आंसर कैसे आ रहा है, फिर सेकंड करके बताऊंगी, थर्ड से आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन का मैंने सिखा दिया है, आप ट्राई करना घर पे। 990 × 31। वन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 0 = 0, 19 × 9, 19 × 9। यहाँ पर हम 0 रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 से हो गया हमारा। अब 3 × 0 = 0, फिर 3 × 9 = 27, तो 2 बाहर आएगा, 7 नीचे आएगा। अब वापस 3 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 2 बोरो है तो 27 होता है, तो 2 को लेंगे प्लस करेंगे तो 29। अब हम इसे प्लस करेंगे तो 0 का 0, इधर 9, तो 9 9 + 7 16, तो 1 ऊपर जाएगा, 29 + 1 = 30। तो हमारा आंसर क्या आया? 30,690 फॉर द मंथ ऑफ मार्च इक्वल टू 31 डेज। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2, कैलकुलेटेड द सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। असिस्टेंट मैनेजर की जुलाई की फाइंड आउट करनी है, तो सैलरी
of manager of July. July का find out करना है. तो one day की salary वर्कबुक में कितनी दी है हमें क्वेश्चन में? $530. हमें जुलाई फाइंड करना है. तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, आप सबको पता है. हमें क्वेश्चन में वन डे की सैलरी असिस्टेंट मैनेजर की कितनी दी थी? 530. अब जुलाई का फाइंड आउट करना है हमें. तो इज इक्वल टू 530 इंटू 31 डेज. जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके आपको बताया था, वैसे सेकंड क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई आप ट्राई करना, मल्टीप्लाई आपको आ जाएगा. बोले मैंने आपको मल्टीप्लाई के 15-16 क्वेश्चन करवाया हुआ है. आंसर आएगा 16,430. आप यहां पर मल्टीप्लाई करके देखना, 530 इंटू 31. ईजी है मल्टीप्लाई, आपको आ जाएगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द सैलरी ऑफ सुपरवाइजर फॉर फर्स्ट 4 मंथ. फर्स्ट 4 मंथ की फाइंड आउट करनी है सुपरवाइजर की सैलरी. क्वेश्चन थ्री, हम फाइंड आउट करेंगे सैलरी. मैं जैसे आपको मेथड से सिखा रही हूं, पूरा मेथड लिख के एग्जाम में भी आपको पूरा मेथड लिखना है. सुपरवाइजर फॉर फर्स्ट 4 मंथ फाइंड क्या करना है, 4 मंथ का. वन डे की सैलरी कितनी थी सुपरवाइजर की? 420. थी वन डे की. तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? फर्स्ट 4 मंथ की फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट 4 मंथ. जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, 4 मंथ. तो जनवरी में कितने डेज होते हैं आप सबको पता है? 31 डेज. फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30. अब हमें इसे प्लस करना है, 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, टोटल होगा 190 डेज. आप प्लस करके देखना. अभी से वन डे की सैलरी कितनी थी? 420. 31 प्लस, सॉरी 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, टोटल होगा 120 डेज. तो 120 इंटू 420, मैंने बाय मिस्टेक से 190 लिख दिया था, सॉरी 120 डेज आएगा. 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, 120 डेज. तो 120 को वन डे की सैलरी कितनी थी सुपरवाइजर की? 420. तो 420 से मल्टीप्लाई करना है. तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है. 120 इंटू 420. जीरो तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो सबका जीरो आएगा. फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है. मैंने ये आप सबको सिखाया था. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,400 आएगा. आप घर पे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है. मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं.
ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द सैलरी ऑफ लेबर्स फॉर 180 डेज. 180 डेज की लेबर की सैलरी कितनी होगी, तो हमें फाइंड आउट करना है. लेबर की हमें वन डे की सैलरी कितनी दी थी, 310 रुपीज. हम अब फोर्थ का फाइंड आउट करेंगे. तो सैलरी ऑफ लेबर का फाइंड आउट करेंगे. लेबर हमें कितने का फाइंड करना है, 180 डेज का फाइंड आउट करना है. तो वन डे की सैलरी कितनी थी लेबर की, 310. तो 180 इंटू 310 मल्टीप्लाई करना है तो आएगा आंसर 55,800. मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप सबको कैसे मल्टीप्लाई करना है, आप अपनी नोटबुक में मल्टीप्लाई करना. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेटेड द एनुअल सैलरी ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड. सिक्योरिटी गार्ड की एनुअल सैलरी फाइंड आउट करनी है हमें. मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं मेथड्स के साथ पूरा सम सॉल्व कर रही हूँ, आपको भी पूरा मेथड के साथ सम सॉल्व करना है. क्वेश्चन फाइव सॉल्यूशन करेंगे अब. द एनुअल सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड. वन डे की सैलरी कितनी है, 150 है. वन डे की सैलरी हमें बुक में क्वेश्चन एट में पूरा मेथड में दिया है. वन डे की वर्कर की वन डे की सैलरी कितनी है, मैंने स्टार्टिंग में आपको रीड करके बताया था कितनी सैलरी है सबकी. मैनेजर की कितनी है, असिस्टेंट मैनेजर की कितनी है, सुपरवाइजर की कितनी है, लेबर की कितनी है, सिक्योरिटी गार्ड की कितनी है. तो सिक्योरिटी गार्ड की कितनी है, 150. तो 150 इंटू 365 डेज को फाइंड आउट करना है. तो 150 इंटू 365 डे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आएगा 54,750. तो 365 डेज की कितनी सैलरी हो जाएगी, 54,750. आप सबको मल्टीप्लाई आना चाहिए. आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैं बताती हूँ कैसे करते हैं. 150 इंटू 365, पहले 5 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से. ये मैंने 3 डिजिट वाले आपको मल्टीप्लाई सिखाए हुए हैं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन 6, व्हाट इज द सैलरी ऑफ मैनेजर फॉर लास्ट 3 मंथ. 3 मंथ लास्ट 3 मंथ का फाइंड आउट करना है मैनेजर का. क्वेश्चन 9, सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 174 वर्कर्स आर द वर्किंग इन ए फैक्ट्री. 174 वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं. इफ ईच वर्कर गेट 567 हैज बोनस, देन व्हाट अमाउंट वुड बी नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस टू ऑल वर्कर्स. अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे. मैं बताती हूँ कैसे सॉल्यूशन करना है. वर्कर्स कितने, 174. बोनस फाइंड 67 ईच. तो टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे. 174 इंटू 567 मल्टीप्लाई करना है हमें. तो 174 इंटू 567 मल्टीप्लाई करेंगे तो 98,658 हमारा ये आंसर है.
कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करना 174 इंटू 567। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन 8 में मल्टीप्लाई, वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा 98,658 अमाउंट आ रहा है कि नहीं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन सेकंड, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर ऑफ गार्डन इज 20 मीटर। दिनेश भाई कंप्लीटेड द वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द सॉइल इन द गार्डन एट द कॉस्ट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट अमाउंट विल ही गेट। लेंथ कितनी है स्क्वायर, लेंथ और स्क्वायर गार्डन की कितनी है 20 मीटर। लेंथ और स्क्वायर होता है तो हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है। मैंने आपको जब लेक्चर होते थे तो मैंने आपको बताया था ब्लैक बोर्ड पे, ये लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर का सेम होता है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड नंबर, स्क्वायर लेंथ कितना दिया है 20, कॉस्ट कितनी दी है हमें 100 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर दी हुई है ना, तो मैं इधर ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। स्क्वायर ये 20 है हमारा, तो ये भी 20 होगा ना, तो स्क्वायर में सेम होता है 20 20, दोनों सेम होते हैं ना, तो ये भी 20 होते हैं, ये भी 20 होते हैं, तो 2 times 20 into 20 into 100 इज इक्वल टू 20 into 20 into 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 40,000। 20 into 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 times 4 और 0 0 400। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, 400 into 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40,000। तो हमारा आंसर क्या आया 40,000। इजी सम है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, ए फ्रूट सेल्स एज 1944 ऑरेंज, ईच बॉक्स कैरीड 9 ऑरेंज, हाउ मैनी बॉक्सिस कैन बी द फील्ड बाय ऑल द ऑरेंज। हमें फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रूट सेलर्स 944 ऑरेंज सेल्स करते हैं, ईच बॉक्स कैरीड 9 ऑरेंज, हाउ मैनी बॉक्सिस कैन बी फील्ड बाय ऑल द ऑरेंज। थर्ड नंबर, 1944 ऑरेंज, ऑरेंज सबको पसंद होगा ना, ईच बॉक्स नाइन, तो हमें डिवाइड करके देखना है, किससे डिवाइड करेंगे, मैंने आपको डिवाइड सिखाया था ना, 1944 और 9 से हमें डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, 9 ones 18 आया, इसके नीचे 0 0 करेंगे, 4 नीचे आएगा, इधर भी 4 नीचे, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इधर 0, 1 में से 1 0, 144 आया, 9 को इंटू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 144, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 0 यहाँ पर। जीरो तो हमारा कितना आंसर आया 9 2 18 किया, तो मैं वापस रिपीट करती हूँ, डिवाइड करना है हमें 1944 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 2 18
जीरो जीरो, फोर को हम नीचे उतारेंगे, नाइन में से एट माइनस करेंगे वन आएगा, वन में से वन जीरो, तो 144 आया। तो हमें ऐसा टेबल पढ़ना है कि 144 आए या 144 से कम आए। मैंने आपको बताया था वन जो अमाउंट हो उससे कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उतना सेम आना चाहिए। तो हम 9 × 16 करेंगे तो 144 आएगा। तो हमने 9 × 16 किया तो 144 आया, तो हमारा आंसर आ गया 216। समझ में आया आप सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 108 मेंबर्स इन द रिलीफ कमिटी, ईच मेंबर्स डोनेटेड 75। इफ द कलेक्टेड अमाउंट द डिस्ट्रीब्यूट अमंग 36 पुअर पर्सन इक्वली, देन वॉट अमाउंट विल बी ईच पर्सन गेट। ईच पर्सन कितने एक पर्सन के पास कितना जाएगा हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको फाइंड आउट करके बताती हूँ। अरे क्वेश्चन रीड किया था क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो क्या था, 108 मेंबर्स डोनेट 75 ईच, तो 108 × 75 तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके मैंने बताया था आपको, वैसे मल्टीप्लाई करना है आपको। आंसर आएगा ये, हमारा आंसर आया। अब इसमें 181 36 पुअर पीपल, उनको पुअर पर्सन को डोनेट करना है, तो 81 / 36, तो 36 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 8100। मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको क्यों करा रही हूँ, ये लंबा डिवीजन होगा इसलिए आपको समझ में आ जाए, इसलिए 36 × 225 करोगे मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा 800। ये जीरो जीरो हो गया तो आया 225, ये हमारा आंसर हुआ। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन 5। टोटल 325 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द चिल्ड्रन डे प्रोग्राम। प्रोग्राम में इतने चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच स्कूल पार्टिसिपेट, हर स्कूल में 25 चिल्ड्रन ईच पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्रोग्राम, देन हाउ मेनी स्कूल पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम, कितने स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम सम सॉल्यूशन करेंगे, हमें पता चलेगा कितने स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन 5। टोटल कितने, 325 चिल्ड्रन, 25 चिल्ड्रन स्कूल्स, हमें डिवाइड करना है। यहां पर क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, 25 से। 25 × 25, नीचे फाइव आ जाएगा, वन में से फाइव माइनस होगा नहीं, तो 11 लिखने का, यहां पर 3 को कट करके 2, यहां पर 11 कट करके लिखा हमने, 1 से 5 माइनस नहीं होगा 11, यहां पर कट करके 2, तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब ये 2 हम नीचे उतारेंगे, यहां पर लिखेंगे, अब ऐसा करना है कि 25
62 आना चाहिए ऐसा टेबल पढ़ना है, यहाँ 62 से कम आए तो 25 टू जा 50, तो 2 का 2 नीचे आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये 5 हम नीचे उतारेंगे तो 125। अब वापस टेबल पढ़ना है या 125 है या 125 से कम है, तो 25 5 125 आ गया हमारा आंसर 125, तो 125। All of you understand? Question 6 read करेंगे अब। 81 marbles can be kept in a bag. How many bags will be needed for the 82 marbles? How many marbles will be left over? कितने left overs हो गए? तो हमें find out करना है। 81 marble can be kept in bag. How many bags will be needed? 825 टू मार्बल्स हैं, उससे हमें फाइंड आउट कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन 6, 81 मार्बल्स हैं इन ए बैग, बैग के अंदर कितने मार्बल्स हैं 81, तो 852 बैग के अंदर कितने होंगे तो ये हमें डिवाइड करना है, फिर हमें पता चलेगा कितना आएगा। तो 82 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी 81 से डिवाइड करेंगे, तो 81 इधर 0 0 हो जाएंगे, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा यहां पर, 8 का 8 0, 5 हम नीचे उतारेंगे और 2 भी, तो 81 इधर 0 उतारा तो 0, 81 वन जा 81, तो वापस 81 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 8 जाएगा माइनस होगा नहीं, तो हम इधर 5 को कट करके क्या लिखेंगे 50, यहां से बोरो ले लिया तो इधर 0 हो जाएगा, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 71, तो 71 मार्बल, और बैग कितने हो जाएंगे, बैग कितने होंगे 101 बैग, ये हमारा आ गया 101 बैग्स और 71 मार्बल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? A school got 3,452 has the donated. Distributing this amount equally among 32 children. What amount will each children get? How much money will be left? हमें ये find out करना है. Donate school में से got to donate कितने हुए 3,452. Distribution of equal among 32 children में. What amount will be each children? How much money be left? कितने left होंगे? हम find out करेंगे. 7. Find out करेंगे ना? तो 3,452 donation. 32 children. Equally distribution, तो डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 3,452, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 1 जा 32, 0 0, फिर ये हम नीचे उतारेंगे 2 और 5, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0, आया आंसर हमारा, अभी इधर 0 रखेंगे, 32 7 जा 250,
254 तो माइनस करेंगे अब, तो 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो यहां पर 12 लिखेंगे, यहां पर 2 4 आया था ना हमारा आंसर, तो 2 4, तो 5 को कट करेंगे, 4 लिखेंगे, तो 14 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा 8, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, 2 का 2 0 का 2 0, तो आंसर हमारा कितने लेफ्ट कितने हुए 28 और पीस कितना हुआ 107। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 8, ए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ऑर्डर्स 1961 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, इफ ए टेम्पो कैन कैरी 37 बैग्स इन वन ट्रिप, देन हाउ मैनी ट्रिप्स विल द टेम्पो हैव टू ट्रैवल। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे, इफ वी फाइंड आउट पता चलेगा। क्वेश्चन 8, 1961 बैग्स है, टेम्पो 37 बैग, तो हमें डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, तो 37 1961, तो 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1961, तो हमारा कितना आंसर है 53। मैंने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, आप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 में, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने आपको पहले भी करवाया था, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 में यही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड।